फर्स्ट थिंग कि पहले तो हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप हमें बताते चलेंगे। शशांक कुमार, शशांक आप सिर्फ कुमार लिखते हैं? यस मैम। लोकेश साहू, यस मैम। माही शुक्ला, माही आपने मॉर्निंग में भी क्लास ज्वाइन करी थी? यस मैम। ओके, अंकिता सिंह, यस मैम। कैमरा क्यों ऑफ है आपका? मैम एक मिनट। आकांक्षा पटेल, आकांक्षा आपने मॉर्निंग में भी क्लास ज्वाइन करी थी? यस मैम। अंकिता आपने क्लास ज्वाइन करी है? यस मैम। यस मैम, मॉर्निंग की क्लास ज्वाइन करी थी आपने बेटा? यस मैम। नहीं ना? यस मैम, की थी मैम, की थी मैम। और कौन है? शिखा सिंह, इरम, इरम आपने तो ज्वाइन करी थी दोनों क्लासेस है? इरम, यस मैम, आपने तो दोनों क्लास ज्वाइन करी थी ना बेटा? यस मैम, की थी। यस मैम। और कोई ऐसा जिसका मैंने नाम नहीं लिया हो, सुबह से क्लास ज्वाइन करी हो? नित्या शुक्ला, नित्या आपने ज्वाइन करी थी सुबह भी और अभी भी? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको मैंने अपना नाम नहीं लिया हो? एक कोई बच्चा शिखा सिंह है? शिखा सिंह मैम मैंने दोनों क्लास ली थी। हाँ बेटा आपने तो ली थी, ठीक है, अभी फिलहाल फिलहाल ऐसे। अच्छा दूसरी चीज ये कि आप लोग एक कोई स्टूडेंट जिसके पास पेंटिंग के सारे बच्चों के माइक ऑफ करो, पेंटिंग के सारे स्टूडेंट्स के नंबर कॉन्टेक्ट नंबर हैं। कॉन्टेक्ट नंबर मुझे कैसे चाहिए? आप लोग क्या है, अपना नंबर टाइप कर रहे हो और अपना नाम लिख रहे हो। व्हाट्सएप में जब आप कॉन्टेक्ट नंबर सेंड करते हैं तो नीचे जो एक पिन टाइप का आइकन आता है, ठीक है, अटैच करने वाला, उसमें लिख के आता है अटैच, ठीक है, जैसे पेपर पिन का टाइप का आइकन आता है, पेपर पिन टाइप का, उसमें आप क्लिक करेंगे तो उसमें अटैच लिखा होता है, उसी अटैच में बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं, कॉन्टैक्ट, गैलरी, है ना, इस तरीके के। उस कॉन्टैक्ट में जाएंगे, वहां से आप मुझे कोई भी एक बच्चा जिसके सबके कॉन्टैक्ट सेंड करेगा विद नेम, जो ऑलरेडी आपके फोन पे सेव हो, वो तभी आप दे पाएंगे जब आपके फोन पे सेव हो। कौन सा ऐसा स्टूडेंट है अभी जितने बच्चों ने ज्वाइन किया जिसके पास मैक्सिमम बच्चों के नंबर सेव हो आपकी क्लास के, पेंटिंग क्लास के? है कोई स्टूडेंट ऐसा? नहीं है तो तीन चार पांच बच्चों के तो सेव होंगे एटलीस्ट। यस मैम है। हाँ तो आप उतने ही सेंड कर दीजिए जिन बच्चों के पास, कोई दो तीन लोग भी सेंड कर सकते हैं जिनके पास तीन चार बच्चों के नाम सेव हैं, ठीक है, वो एक साथ आप सेंड करेंगे। फिलहाल के लिए अभी एक जना कोई एक नंबर सेंड करो, कि आप मेरी बात समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो। मैम पर्सनल नंबर पे आपके? हाँ मेरे पर्सनल नंबर पे बेटा। ओके मैम। एनीवेज अभी मेरे पास नहीं आया है, हो सकता आ जाएगा।
अच्छा, इसके अलावा जितने बच्चों के मैंने नाम लिए आप ध्यान से सुनिए, अंकिता, नित्या, लोकेश, आकांक्षा, शिखा, इरम, शशांक, माही, ठीक है। इसके अलावा एक स्टूडेंट और था उस मॉर्निंग में, बता सकते कौन था? मैम तान्या। तान्या, ओके। अच्छा, कल कितने बच्चों ने इनमें से क्लास ज्वाइन करी थी? वैसे तो मेरे पास रिकॉर्ड है, लेकिन हमें उसको चेक करने में प्रोसेस में जाना पड़ेगा, इसलिए हम इजी बेस पे पूछ सक रहे हैं आपसे, और फिर बाद में हम उससे टैली कर लेंगे, ठीक है? अभी आप बस हमें बता दीजिए, बाद में हम टैली कर लेंगे उससे। इरम? यस मैम। आपने कल ज्वाइन करी थी? यस मैम, की थी। कौन सी करी थी, मॉर्निंग इवनिंग? मैम मॉर्निंग वाली की थी, इवनिंग वाली मिस हो गई थी। ओके बेटा। शशांक, आपने बेटा ज्वाइन करी थी? यस मैम। कल वाली? यस मैम, दोनों टाइम किया था सर, दोनों टाइम किया था, वेरी गुड। अच्छा लोकेश, आपने भी कल मॉर्निंग की ज्वाइन करी थी? मॉर्निंग की थी मैम, वो शाम वाली टाइम जो था ना। हाँ हाँ, पता है हमें, मॉर्निंग की ही की थी आपने। अब कौन बच्चा, शशांक हो गया, इरम, लोकेश, आकांक्षा, आपने तो ज्वाइन किया नहीं था कल? मैम किया था, दोनों क्लास अटेंड किया था। दोनों क्लास ज्वाइन की थी? यस मैम, सुबह भी और इवनिंग में भी। अंकिता सिंह? यस मैम। आपने कौन सी क्लास ज्वाइन की थी बेटा? मैम दोनों क्लास ज्वाइन की थी। कंफर्म है ना? यस मैम। हाँ, क्योंकि हम जब चेक करेंगे तो फिर गलत नहीं होना चाहिए। नो मैम। माही शुक्ला? यस मैम। करी थी ज्वाइन बेटा आपने? यस मैम, दोनों क्लास ज्वाइन की थी। शिखा सिंह? मैम दोनों क्लास ज्वाइन की थी। नित्या शुक्ला? यस मैम, दोनों क्लास ज्वाइन की थी। ओके बेटा। और इसके अलावा प्रशांत ने करी थी, और उसने एक स्टूडेंट और था, बता सकते कौन था? चलिए कोई नहीं, याद आ जाए तो बता दीजिएगा, नहीं तो फिर हम खुद ही देख लेंगे। मैम तान्या। तान्या का तो हो गया बेटा, अच्छा तान्या का कल का, ओके। तान्या ने दोनों करी थी, एक करी थी, कुछ बता पाओगे? चलिए छोड़िए, हम खुद देख लेंगे बेटा। अच्छा अब आप, मैम जितने कांटेक्ट थे मैंने सेंड कर दिए आपको। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू बेटा, अभी हम चेक कर लेंगे। अच्छा अब एक चीज ध्यान से सुनिए, दो स्टूडेंट्स ने मुझे वर्क किया भेजा था, एक ने कलर्ड वर्क, ठीक है, हमने आप दोनों के काम देख लिए हैं, एक मुझे शिखा ने भेजा था और एक मुझे शशांक ने भेजा है, ठीक है। मैम मैंने अभी भी एक दूसरा ड्रॉ करके आपको भेजा है। शशांक तो आपने या लोकेश ने भेजा? आप अपनी बात कर रहे हैं? यस मैम, मैंने अभी वापस से ड्रॉ करके आप देखते हैं बेटा, अभी हम देख, असल में मेरी अभी दूसरी क्लास चल रही थी, इस वजह से हम नहीं देख पाए। अच्छा, और वो सही हो भी नहीं सकता क्योंकि अभी आप लोगों को उसकी कोई नॉलेज नहीं है। अभी एक
स्टेप आपने ड्राइंग का क्लियर किया है, एक डिस्कशन हम आपसे और करेंगे। कुछ बताने को रह गया था, पहली चीज कि जो वाटर कलर मीडियम में आप कलर परचेज करेंगे वो आर्टिस्ट क्वालिटी के परचेज करेंगे, ठीक है, स्टूडेंट क्वालिटी वाले वाटर कलर परचेज नहीं करेंगे। क्लियर है? जिसने नहीं लिया उसके लिए तो बहुत अच्छा है, अगर बाय चांस किसी ने ले लिया है और उसकी पैकिंग नहीं खोली है तो आप उसको रिटर्न कर दीजिएगा। ओके बेटा? यस मैम। अच्छा, दूसरा बात कि आप लोग जो कलर पैलेट लेते हैं वो कलर पैलेट, एक तो फोल्डिंग कलर पैलेट आती है वाटर कलर की, ठीक है, और एक आती है विदाउट फोल्डिंग, मतलब जो एक एक पार्ट पे होती है, और जो फोल्डिंग वाली होती है वो हमारे दो पार्ट पे होती है। हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप फोल्डिंग वाली कलर पैलेट परचेज करिएगा, वो थोड़ी सुटेबल होती है कैरी करने में भी, आपको लाने ले जाने में भी, कि मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और काम करके एकदम से बंद करके आपको जाना है कहीं, तो उसमें जो कलर होता है वो आपका प्रॉपर सेफ हो जाता है किसी भी चीज़ से। जैसे आप ओपन वाली कलर पैलेट यूज़ करते हैं तो आपकी जो नोटबुक्स या कुछ और रखा होता है बैग में तो उसमें कलर टच हो जाता है, ठीक है, और जो वो कलर पैलेट आती है फोल्डिंग वाली, उसमें ध्यान रखिएगा एक फाइबर टाइप की शीट होती है सेंटर में, फाइबर शीट लगी होती है फोल्डिंग कलर पैलेट में। दो तरीके से आती है, जिसमें फाइबर शीट लगी होती है वही वाली परचेस करिएगा। उसका क्या फ़ायदा है बेटा, कि वो आपका जब फोल्ड करते हैं आप अपने कलर्स की पैलेट को बंद करते हैं तो जो कलर आपके गीले होते हैं या थोड़े ज़्यादा होते हैं तो वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, कलर पैलेट को गंदा नहीं करते हैं और कलर्स को भी गंदा नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि फोल्डिंग जो आपकी ओपन कलर पैलेट होती है वो कॉस्ट वाइज तो बेटा रीजनेबल होती है, लेकिन ये वाली फोल्डिंग वाली थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है आपको। जो एफर्ट कर सकता है, जिसके पास कोई फाइनेंशियली ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो वो उसी को एफर्ट करे, और जो नहीं एफर्ट कर सकता वो ओपन वाली भी ले ले, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, काम दोनों में ही होता है, बस थोड़ी सुविधाएं हैं जो उसमें आपको मिल सकती हैं। और कलर क्या होता है, जैसे कुछ टाइम तक हमने वाटर कलर नहीं यूज़ करे और वो कलर पैलेट ओपन रखी है तो जो डस्ट वगैरह होती है वो हमारे उन कलर्स के ऊपर लगती जाती है, जिससे हमें कलर, जब हमें मान लीजिए हमने 1 वीक के बाद अपनी कलर पैलेट यूज़ करी है तो वो हम कलर जब यूज़ करते हैं तो हमको उसको पहले क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि कलर्स के ऊपर एक डस्ट की लेयर आ जाती है, जब तक आप उसको वॉश नहीं करेंगे तब तक आप उसमें वर्क नहीं कर पाएंगे। तो बेटर ये है कि अगर आपकी फोल्डिंग वाली कलर पैलेट होगी, ना ही आपको डस्ट आएगी ना ही आपको वॉश करना पड़ेगा, जैसे ही आप कवर अप करके रखेंगे वैसे ही वो कवर रखी होगी और आप तुरंत के तुरंत अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, एक फायदा। दूसरा फायदा कि आप का जो कलर है वो वेस्ट कम होगा, जहाँ आप वॉश करने के लिए पैलेट को नीचे लगाते हैं अपने टैप के नीचे, तो वैसे ही क्या होते हैं जो आपके यूजफुल कलर्स हैं, क्योंकि कलर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं आर्टिस्ट क्वालिटी के या वाटर कलर कोई भी मीडियम होता है बेटा, कलर्स तो कॉस्टली आते ही हैं, तो वो वेस्ट नहीं होते हैं। समझ में आई ये बात? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते हैं, और चीज़ों को करने से पहले आपको जानकारी नहीं होती है तो आप उस सही डायरेक्शन में नहीं जा पाते। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक ये हमारा डिस्कशन का कि आप जब कलर पैलेट्स में कलर्स को निकाला करेंगे, तो कलर्स निकालते समय आपको नॉलेज नहीं होती है कि आपको कलर्स किस वे में निकालने हैं। आप कोई भी कलर ट्यूब उठाते हैं और उन कलर ट्यूब्स को वहीं के वहीं ऐसे जहाँ जो मन आया वो आपने कलर पैलेट में निकाल लिए, जबकि ऐसा प्रोसेस आपका गलत है। पहली चीज़ तो एक आप ये ध्यान रखेंगे, आप जब कलर्स को कलर बॉक्स ओपन करते हैं बेटा, तो कलर बॉक्स ओपन करने के बाद क्या होता है, जैसे सपोज लाइक आपने 24 शेड का बॉक्स परचेज किया, ठीक है, बेटर वही रहता है कि आप 24 शेड्स वाला ही परचेज करें। तो उसमें क्या होता है, हमारा कलर बॉक्स में 4 पार्ट्स होते हैं, कलर्स जो रखे होते हैं वो 4 पार्ट्स में रखे होते हैं, डिवीज़न होता है बॉक्स के अंदर, ठीक है।
कुछ शीट्स एक ब्लॉक में होते हैं, कुछ शीट्स दूसरे ब्लॉक में, कुछ शीट्स तीसरे ब्लॉक में, कुछ शीट्स चौथे ब्लॉक में होते हैं। ठीक है बेटा, तो उससे क्या होता है कि आप ये करिए, जब आप फर्स्ट टाइम उस कलर बॉक्स को ओपन करते हैं तो ट्यूब के नीचे किसी भी मार्कर से या किसी भी पेन से, मार्कर से ज़्यादा सही रहेगा बेटा, आप उस कलर शेड के ऊपर हर कलर का एक नेम होता है, मालूम है ना, कलर के जो शेड्स होते हैं कलर के जो शेड्स का नाम होता है। जैसे ब्लू कलर है तो कोबाल्ट ब्लू, पर्शियन ब्लू। इस लड़की को क्या प्रॉब्लम है, ये हमेशा लेट क्लास को ज्वाइन करती है, आज तो हम इसको एडमिट करे ले रहे हैं। हुमायरा ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिए कि आप लोग जब चीजें कलर्स को उठाते हैं तो सबसे पहले काम, जब आप अपना बॉक्स ओपन करेंगे ठीक, तो ओपन करते ही समय आप अपने कलर्स के ट्यूब को उठाएंगे और एक पतला मार्कर लेके जो कलर का नाम लिखा होगा उसको उसी कलर बॉक्स उसके नीचे रख देंगे, मतलब उसी कलर की जगह पे लिख देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, मुश्किल से 10 मिनट का काम है। ये सारी बातें हम आपको क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि अभी क्या होता है, अभी हम आपसे कहें आप कलर्स के नाम याद कर लीजिए, तो वो आपको याद तो करना ही है, वो हम आपको उससे याद करने को कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन क्या है स्टार्टिंग में आपको कलर शेड्स की नॉलेज नहीं होती कि आप उसको पहचान पाए, कि कलर पैलेट पे जो कलर निकला हुआ है तो आप उसको अच्छे से पहचान लें, इसकी नॉलेज नहीं होती आपको, क्योंकि आप बहुत सारे शेड्स सिमिलर होते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये, सपोज दैट आप काम कर रहे हैं, काम करते करते आपका वो शेड खत्म हो गया, उसी तरीके के 2-3 शेड हैं, तो आप एग्जिट मतलब बिल्कुल एज इट इज उस शेड पे जाने के लिए कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहेंगे और टाइम बर्बाद करेंगे। या तो आप दोनों तीनों शेड्स निकालेंगे तब उससे टैली करेंगे, है ना, जैसे रेड है तो रेड के ही 4-5 टोन्स हैं, समझ रहे हैं, कुछ शेड्स तो आप इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जैसे येलो और ब्लू में डिफरेंस है तो वहां तो आप इजिली रिकॉग्नाइज कर लेंगे, लेकिन रेड के जो 5 टोन्स हैं, ब्लू के जो 5 हैं, ग्रीन के जो 5 हैं, उनमें जो डिफरेंस होता है वो बहुत किसी किसी शेड में माइनर होता है, समझ रहे बच्चा, तो yes, इस चीज को अभी जब तक आप उस चीज के हैबिचुअल नहीं है तो सबसे अच्छा तरीका 10 मिनट का काम है, कलर ट्यूब्स को उस जगह उठाइए, एक ट्यूब उठाइए उसका जो नाम लिखा है, सपोज दैट लिखा है कोबाल्ट ब्लू, शेप ग्रीन, पर्शियन ब्लू, जो भी लिखा है वो नाम आपने मार्कर से वही लिख दिया, क्योंकि वहां पे ना आपको पानी यूज करना है बॉक्स के अंदर, ना कुछ जो वो आपका मिट जाएगा, खराब हो जाएगा, है ऐसा कुछ नहीं है, और वो कलर वहीं के वहीं रख दिया। ये काम आपको कंटिन्यू करना है, हमेशा हमेशा ये करना है कि आपने नाम तो एक बार में लिख दिया, लेकिन कलर जब भी आप निकालेंगे उससे आपको एक आराम रहेगा कि वो शेड आप वहीं पे रखेंगे, समझ रहे बेटा, आपके शेड क्या होता है, बॉक्स हमारा इधर से उधर हिल जाता है और कलर क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, कभी बैग में डाला, कभी आपने कैसे भी यूज किया, कभी हो सकता है बॉक्स आपके हाथ से छूट गया, ठीक है, तो आप जनरली क्या करते हैं, उन ट्यूब्स को उठा के कहीं पे भी रख लेते हैं और फिर आपको याद नहीं रहता कि कौन सा कलर शेड कहाँ होना चाहिए। ये सीक्वेंस हमने क्यों करवाया है, अब इसको सेकेंडरी चीजें सुनिए कि इसका इम्पोर्टेंट वे क्या है। इम्पोर्टेंट वे ये है कि आप जब कलर पैलेट में कलर निकालेंगे तो जिस सीक्वेंस में कलर बॉक्स में आपके कलर रखे हैं उसी सीक्वेंस में कलर पैलेट में आप कलर निकालेंगे, क्लियर? यस मैम। जिसको भी क्लियर हुआ हैंड रेस करिए, शशांक के अलावा, शशांक ने तो रिप्लाई कर दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे शशांक ही क्लास अटेंड कर रहा है, बाकी नहीं अटेंड कर रहे हैं। समझ में आई मेरी इतनी सी बात आपको? यस मैम। मैंने आपको क्यों समझाई? ठीक है, तो आपका कलर बॉक्स और कलर पैलेट आपके अकॉर्डिंग चलेगा, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे किसी भी शेड ले को, शेड किसी भी शेड को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे आप। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? अब कलर को निकालना किस वे में है, कलर को निकालने का तरीका ये होता है बेटा, सबसे पहले हम येलो के टोन्स निकालते हैं, ठीक है, प्राइमरी बेसिस पे चलते हैं हम,
येलो के टोन्स निकाले, फिर रेड, रेड का मतलब ऑरेंज, ऑरेंज के बाद जितने भी रेड के टोन्स हैं, रेड है, पिंक है, जो भी है, उसके बाद हम उसमें आ जाते हैं तुम्हारे ब्लू, ब्लू टोन्स में, ब्लू या ग्रीन टोन्स में, ग्रीन टोन्स के कलर निकाल लीजिए, फिर उसके बाद ब्लू टोन्स के कलर निकाल लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप कलर बॉक्स जब देखेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि आपके कैसे कलर शेड लगे हुए हैं बॉक्स में और किस वे में निकालने हैं। अलग अलग कंपनी का थोड़ा प्रोसेस अलग अलग होता है, लेकिन हम जैसे एक प्रोसेस बता रहे हैं कि 24 शेड का, सपोज दैट आपने कैमलिन का खरीदा, तो वो इस तरीके से आता है बेटा, वो चार सेक्शन में डिवाइड होता है और एक सेक्शन में जो छह कलर होते हैं वो एक ही शेड के लगे होते हैं, मतलब ब्लू की सारी टोन्स, रेड की सारी टोन एक साथ होती हैं, ग्रीन की सारे टोन्स एक साथ होती हैं, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि आपको पता नहीं होता है कि आपको कलर कहाँ निकालना होता है, आपका जो दिल करता है, पता चला आपने पहले येलो निकाला, उसके बगल में ब्लू निकाल दिया, उसके बगल में ब्लैक निकाल दिया, उसके बगल में ब्रंट चाइना निकाल दिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। या आपको जो जरूरत लगी आपने वो कलर पहले निकाल लिया पैलेट में, ऐसे नहीं करते। कलर हमेशा प्रोसेस में इसलिए निकाले जाते हैं क्योंकि जब आप कलर मिक्स करते हैं तो वो शेड उसी वे पे चलते हैं, उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कलर शेड आपस में मिक्स होते हैं। और वाटर कलर की पैलेट को कम से कम धोने का काम किया करिए, साफ करने का काम बहुत कम से कम करेंगे, क्योंकि जो शेड्स हमारे मिक्स करके बनते हैं उनमें जो टोन्स एक क्रिएट होता है वो बहुत यूनिक कह लीजिए, थोड़ा डिफरेंट कह लीजिए, बहुत यूजफुल टोन होता है, ठीक है। आपको क्राइटेरिया जो आपका जब फिल हो जाता है, जैसे मान लीजिए किसी पार्ट आपका गंदा है पैलेट का और आपने क्या किया है कि आपको साफ स्पेस नहीं मिल रहा है कलर को मिक्स करने के लिए, तो आप एक क्लोथ रखिए, ठीक है। क्लोथ रख के आप उसको मतलब हल्का सा गीला, हल्का सा बिल्कुल वेट लेके वहीं के वहीं पोंछ दीजिए, वो आराम से कलर पैलेट साफ हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है बाकी जो कलर्स होते हैं वो डिस्टर्ब भी नहीं होते, और आप उस क्लोथ को जितनी बार चाहे उतनी बार वॉश कर सकते हैं, बजाय पैलेट को वॉश करने के क्लोथ को वॉश करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को उसका सही प्रोसेस नहीं पता होता है। आप सीधे जाते हैं टैप के नीचे पैलेट लगा देते हैं, समझ रहे हैं? यस मैम, यस मैम, किसी को पता थी पैलेट से? किसी को नॉलेज थी ऑलरेडी इन सब बातों की? नो मैम, नो मैम, नो मैम। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रोसेस तो हो गया आपका कलर्स का। इसी तरीके से एक ब्रश होल्डर आप लेंगे अपने टेबल पे रखने के लिए। ब्रश, ब्रश होल्डर में आपका जरूरी नहीं कि कोई आप मार्केट से प्रॉपर जाएंगे, और ब्रश होल्डर से मतलब जो आप पेंसिल या पेन के लिए होल्डर यूज करते हैं, टेबल होल्डर, ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं, उसी में आप अपने ब्रशेस रख सकते हैं, वैसा ही एक होल्डर ब्रशेस के लिए ले सकते हैं। और सबसे मेन चीज कि आप, जरूरी नहीं कि अगर आपको होल्डर नहीं मिल रहा है तो आप एक प्लास्टिक का ग्लास या कोई वेटेड ग्लास जिसमें ब्रश रखने के बाद आपका वो होल्डर डिसबैलेंस ना हो, क्योंकि ब्रशेस की हाइट ज़्यादा होती है और हमारे वो उसका वेट जब कम होता है तो क्या होता है वो गिर पड़ता है, ब्रशेस के वजन से वो गिर पड़ता है वन साइड। तो या तो उसमें कोई एक ऐसी चीज़ डाल देंगे जो उससे वो उनका वेट बैलेंस कर सके, ठीक है। तो सारे ब्रशेस को आपके सामने रखे होने चाहिए, ये नहीं कि अभी हमें दो नंबर का ब्रश चाहिए तो हम ब्रश के पैकेट से उसको निकाल लें तब उसको यूज कर रहे हैं। सारे ब्रशेस आपके होने चाहिए आपके सामने, चाहे आप उसमें से यूज खाली चार ही ब्रश क्यों ना करते हो, समझ रहे हैं? क्योंकि एक आपका फ्री हैंड प्रोसेस होना चाहिए। और जो आप जहाँ पे ब्रश को क्लीन करने के लिए कपड़े का, कॉटन क्लोथ का यूज कर सकते हैं, करते हैं, वहां पे आप टिश्यू पेपर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें आपके काम को बहुत अच्छा बनाती हैं। टिश्यू पेपर में कपड़ा क्या होता है, थोड़ी देर के बाद बहुत गीले हो के खराब हो जाता है, या तो अपना क्लोथ चेंज करते जाइए जब आप ज्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है आपको पानी का उतना आइडिया नहीं होता है, आप जल्दी जल्दी पानी ड्रिप करते हैं और
सॉक्स कपड़े में पोंछते हैं तो करने से वो जल्दी गीला हो जाता है, तो बाद में आपकी हैंडलिंग आती है। उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि हमारा ब्रश प्रॉपर अगर साफ करना है तो टिश्यू पेपर में अब्जॉर्बिंग बहुत तेजी से होती है वाटर की। देखते हैं, करके देखिएगा। ये कुछ बातें हो गई आपकी काम करने के प्रोसेस की, कि आपको काम करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। और बेटा एक चीज कि आप जब ड्राइंग कर लेते हैं, ड्राइंग करने के बाद जब कलर अप्लाई करते हैं, जैसे बच्चों ने कर रखा है, जो दो बच्चों ने मेरे पास कलर वर्क भेजा है और बाकी जो जिन्होंने नहीं किया है वो भी और जिन्होंने कर रखा है वो भी, पहली चीज़ तो दोबारा जो दूसरा ड्राइंग किया है पहले वो हमें दिखाएंगे, तब हम कलर्स के बारे में आपको कुछ एक्सप्लेन करेंगे। जरा हमें एक एक करके दिखाइए, अभी जो दूसरा ड्राइंग किया है वो शो करिए अपने अपने नित्य, आप शो करिए। हुमायरा हुमायरा आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। बेटा पहली चीज तो आप कैमरा ऑन करके बैठ जाएं। दूसरी चीज आप क्लास लेट ज्वाइन करती हैं, सुबह हमने आपको इसीलिए डिसमिस कर दिया था, ठीक है, आपको ज्वाइन नहीं किया था और अब इस समय भी आपने वही काम किया कि आप क्लास को क्लास के टाइम से ज्वाइन करेंगी। कल से हम आपको एडमिट नहीं करेंगे क्लास में, ठीक है, बहुत ज्यादा 5 मिनट के अंदर आपकी क्लास ज्वाइन हो जानी चाहिए। हाँ नित्या बेटा एक मिनट जरा हम देखें। आप लोग क्या करेंगे, आप सब जल्दी से जरा अपना वर्क सेंड करिए, नीचे नाम लिखिए और पूरा पूरा। मैम मैंने अभी सेंड कर दिया है। किसने सेंड किया, नाम बोलिए। मैम इरम। इरम मैम मैंने भी ऑलरेडी सेंड किया हुआ है। शशांक मैम, शशांक आप जरा दोबारा से सेंड करिए। मैम मैंने भी, ओके साहब। इरम आपका वर्क पहले से इम्प्रूव है, ठीक है। बच्चों जो बच्चे स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं ज्वाइन कर रहे हैं ना, वो बड़ा बहुत बड़ा गलती करते हैं। इसलिए गलती करते हैं क्योंकि बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो आपको इम्पोर्टेंट बातें बताई जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें जो आप जिनसे बिल्कुल अनजान होते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। काम को शुरू करने से पहले हमें उसका प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, अरे अभी तो क्लास लगी, अभी क्या ज़रूरत है ज्वाइन करने की। हाँ लोकेश आपका भी काम देख लिया है, आपका भी वर्क थोड़ा इम्प्रूव है। इरम और लोकेश का मेरे पास आया है अभी, थोड़ा नेटवर्क इशू है, थोड़ा टाइम में आ जाएगा। इरम और लोकेश का हमने चेक कर लिया है। और एक चीज करा करिए, जिस वे में आपका वर्क होता है उसी वे में फोटो सेंड किया करिए। अगर फोटो आप दूसरे एंगल पे से क्लिक करते हैं तो उसको प्रॉपर रोटेट करके सेंड किया करिए। लोकेश आपके लिए कह रहे हैं, ठीक है ये बात। बोलिए लोकेश क्या बोलना चाह रहे हैं। मैम वो ना बहुत क्या कहते हैं, पेंसिल चलाए ना तो उस पे फोटो क्लिक करने में वो हल्का ही दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हम हल्के डार्क लाइट की बात नहीं कर रहे बच्चा, मेरी बात समझो। जब फोटो क्लिक करते हो सेंड करने से पहले आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होता है रोटेट का। यस मैम। हम हिंदी में बोले तो आड़ा तिरछा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट साइज, दो डायरेक्शन होते हैं। आपका एक लैंडस्केप वे होता है, जो आप अभी वर्क कर रहे हैं वो किस वे में, लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में? लैंडस्केप में। क्या लैंडस्केप में,
तो लैंडस्केप फॉर्मेट में ही आपको अपना फोटो भी सेंड करना है। काम कर रहे होते हैं लैंडस्केप में, वर्क को सेंड करते हैं पोर्ट्रेट फॉर्मेट में, तो वो इमेज नहीं, मैं वो फुल साइज फोटो नहीं आ रही थी ना, तो इसलिए मैंने सेंड किया। तो फुल साइज की बात नहीं कर रहे बेटा, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, आड़ा तिरछा, समझ में आया? हाँ समझ में आया। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो समझने की कोशिश करिए, अभी भी पूछ सकते हैं आप, जबरदस्ती नहीं बोलना है कि हाँ मैम समझ में आ गया। ठीक है, अभी देखिए जितने बच्चे आपके उस स्क्रीन में शो हो रहे हैं, ये किस वे में शो हो रहे हैं? पोर्ट्रेट साइज इनकी फोटो दिख रही है, लैंडस्केप वे में दिख रही है? पोर्ट्रेट में। वेरी गुड, तो यानी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आपने जो इमेज अपना सेंड कर रखा है वो पोर्ट्रेट बेस पे सेंड कर रखा है, मेरे पास वो बेड़ा फोटो आया है। आपको अपने वर्क का एंगल भी वैसे सीधा ही रखना है, पहले से ही सीधा रख के, अगर मान लीजिए फोटो आप फोन को घुमा के क्लिक करते हैं तो फोटो सेंड करने से पहले उसको रोटेट कर लीजिए। सबको पता है ना रोटेट क्या होता है? जी मैम। मोबाइल में एक ऑप्शन होता है, वहां फोटो सेंड करने से पहले रोटेट कर लिया, अगर ये एडिट करके एडिट करने जाएंगे तो एडिट में रोटेट का ऑप्शन होता है। जी मैम। ठीक है, इरम बोलिए बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं? मैम ये जो मैंने ड्रॉ किया है, मैंने रफ पे ड्रॉ किया है, तो मैं फाइनल शीट पे इसे ड्रॉ कर लूं? हाँ बिल्कुल, फाइनल शीट पे ड्रॉ कर लीजिए, जब हम देख लें। आप फाइनल पे करिए, ड्रॉइंग के लिए मत सोचिए। ओके मैम। शशांक, शशांक आपने भी वही गलती करी बेटा जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे। शशांक मैं वो भी वापस से भेजा मैंने दोबारा। अच्छा, समझ गए ना आप लोग हम क्या कहना चाह रहे थे? यस मैम। ठीक है, यस मैम। और फिर एक कुछ तरीके होते हैं, अब आप लोग इतने छोटे बच्चे नहीं रह गए, आपका प्रेजेंटेशन आप किसी टीचर को भेज रहे हो, कल को कहीं अपना बाहर वर्क भेजोगे उल्टा सीधा ऐसे ही सेंड कर दोगे, है ना? प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है, सब चीजें छोटी छोटी चीजें जो आप लोग बिल्कुल नहीं जानते उन पे ध्यान दिया करिए। आकांक्षा पटेल, आपका जो वर्क है पॉट में तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है हमें, लेकिन लेकिन अभी भी पॉट भी पॉट का से ऊपर से सही नहीं है। माइक ऑफ करिए, उसमें माइक ऑन रखा है। आकांक्षा अपना माइक ऑफ रखिए, बस सुनिए आप, आपका क्या है पॉट का जो ऊपर का शेप है टॉप, उसके नेक के ऊपर का, देखिए टॉप टॉप एरिया को कि कैसा उसका शेप है। आपने ड्रॉइंग में तो काफी इम्प्रूवमेंट किया है, जो आपके दोनों एंगल डिस्टर्ब हो रहे थे आप लोगों के, लेकिन अभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। आप अपने शेप को कैच करने की कोशिश करेंगी, और जो एप्पल का साइज है अकॉर्डिंग टू पॉट के, वो छोटा है बेटा अभी भी। ठीक है, तो अपनी गलतियों को इम्प्रूव करते जाएंगे। नित्या बहुत प्रैक्टिस करिए, ड्राइंग की बहुत प्रैक्टिस करिए, स्पेशली पॉट की ड्राइंग की प्रैक्टिस करिए। ओके मैम। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन आपका जो बेस है, आपका जो पेपर है, उसके अकॉर्डिंग आपका कंपोजिशन कितना बड़ा बनना चाहिए, कितना छोटा बनना चाहिए। अगर हम पेपर के साइज के अकॉर्डिंग बहुत छोटा सा ड्राइंग कर लेंगे तो वो भी तब भी डिसबैलेंस होगा, हम ओवर ड्राइंग कर देंगे ओवर साइज ले लेंगे तो भी डिसबैलेंस होगा। हमेशा ड्राइंग करने के पहले ये ध्यान रखिए कि ड्राइंग अपना एवरेज साइज में करना है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये सारी बातें क्लियर हुई आप लोगों को? हमारा आप पेंटिंग में ही है, हमारा माइक ऑन करो बच्चा। यस मैम। आप पेंटिंग में ही है? यस मैम। की आवाज बहुत धीमी आ रही है। यस मैम पेंटिंग। अब बोलिए जरा आप। आई एम पेंटिंग। ओके बेटा। अच्छा, हमने जितना भी आपको समझाया है सब कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है?
यस मैम, मेरा एक बार वर्क करता बेटा, जैसे ही मेरे पास शो होगा ना, नेटवर्क इशू रहता है, जैसे शो हो जाएगा हम आपको बोल देंगे। हम खुद ही वेट कर रहे हैं जिन बच्चों का नहीं आया है। हाँ इरम बोलिए, तब तक आप। सॉरी मैम, वो हैंड रेज रह गया था। ओके कोई बात नहीं। शशांक आप भी बेटा पॉट का ऊपर वाला शेप देखिए, ठीक है? यस मैम। जो ऊपर का ड्राइंग है उसका टॉप एंगल का, वो आपका भी छोटा कंपोज हुआ है, बहुत छोटा सा नेक किया है आपने उसका। जो टोटल एरिया होता है ना स्टार्टिंग पॉइंट से टॉप पॉइंट पे, उसका साइज चेक करिए अपने रेफरेंस इमेज से, फर्क है या नहीं है चेक करके बताइए हमें। यस मैम, बड़ा है उसका। हाँ और आपका बहुत छोटा है, ठीक है? ड्राइंग बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करा करिए। अब इन दो बच्चों ने मुझे सेंड किया, ये किसका है हम नहीं बता सकते क्योंकि आप लोग नाम नहीं लिखते हैं, जिन्होंने लिखा है उनका तो बता देंगे इजीली। देखिए हम ध्यान से सुनिएगा, हमने किसका किसका वर्क चेक किया है। लोकेश का चेक किया है, इरम का चेक कर दिया है, आकांक्षा का। यस नो कुछ बोलते जाइए। यस। नित्या का, शशांक का। शशांक के बाद नंबर बोल रही हूँ मैं, फोन नंबर 83037 इसका फोन नंबर। मैम मेरा है शिखा, नाम लिखा हुआ। अच्छा हो सकता है प्रेजेंट नहीं हो रहा हो नाम, इसीलिए तो हमें आप लोगों के नेम सेव करने हैं, क्योंकि अभी तक क्या था आपके फर्स्ट ईयर क्लास में बहुत स्ट्रेंथ थी, इतना पॉसिबल नहीं था हम लोगों के लिए कि हम आपके 90 स्टूडेंट्स के नेम सेव करें अपने फ़ोन में, ठीक है? अब क्या है, आप लोगों का क्राइटेरिया लिमिटेड हो गया है, तो हम आपके कम से कम पेंटिंग स्टूडेंट्स के नाम अपने पास सेव रखेंगे, तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। शिखा आपसे जो बोला था हमने कि आप जब पिक क्लिक करेंगे तो पूरा पिक क्लिक करेंगे, आड़ा तिरछा पिक नहीं क्लिक करेंगे, आपकी अभी भी वही गलती है। मैम मैं फिर से क्लिक करके भेजते नहीं, अब आप करिए लेकिन ध्यान रखिएगा, आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं। यस ठीक है बेटा, थोड़ा ठीक है, बहुत ज्यादा ठीक तो नहीं कहेंगे, थोड़ा लेंथ देखिएगा, लंबे सॉरी हाइट देखिएगा, हाइट देखिएगा उसकी क्या कितनी है और आपके कंपोजिशन की हाइट क्या है, थोड़ा मैच करिएगा। एक तो थोड़ा लाइट है ड्राइंग, बहुत क्लियर से विजुलाइज नहीं हो रहा है, दो तीन कारण है, एक तो आपका पिक सही नहीं है, दूसरा विजुलाइज होने में भी लाइन्स बहुत लाइट है क्योंकि स्क्रीन में देखने में दिक्कत होती है बेटा, ठीक है? काफ़ी हद तक ठीक है लेकिन आपका, हमने ऑब्जर्व तो कर लिया है, लेकिन आप देखिएगा फिर भी अपने ड्राइंग को ऑब्जर्व करिएगा कि कहाँ मिस्टेक है। यस मैम। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि हमको अभी किसने काम नहीं दिखाया है, आप लोग बताएंगे, हम खुद बताएंगे। मैम हमने, माही ने, आपने क्यों नहीं दिखाया माही? मैम हमने कभी फुल ड्रॉ नहीं किया, मैम हाफ किया इसलिए। क्यों नहीं ड्रॉ किया बेटा? मैम ड्रॉ कर रहे थे। कौन सा बात कर रहे थे? मैम ड्रॉ कर रहे थे, मैम अभी हो नहीं पाया पूरा। क्यों नहीं हो पाया हम ये जानना चाह रहे हैं, आप क्लियर बोलिए कि आप क्या कर रहे थे। मैं वो मेजरमेंट लेने में हम थोड़ा सा मैम उसमें थोड़ा टाइम बेटा, इतना टाइम बहुत होता है, कल से ड्राइंग करवा रहे हैं हम, ठीक है?
अगर आप लोगों का ड्राइंग पोर्शन इतना वीक नहीं होता तो हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोगों का ड्राइंग पोर्शन बहुत वीक है, लेकिन इतना टाइम लोगे तो वो भी सही नहीं है। एटलीस्ट हमने एक ड्राइंग करने को आपको दो बार टाइम दिया है तो आपका काम भी होना चाहिए। और इतनी जल्दी हमने क्लास भी नहीं ली जितनी जल्दी हमने बोला था, ठीक है बेटा? नेक्स्ट टाइम से ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलना चाहिए। इरम का तो हो गया, और बताइए हम नाम लें या आप ही बताएंगे किसने नहीं दिखाया है, क्योंकि मेरे पास सब मैम सेम है। मैम मेरा नाम बोलिए। नाम मैम अंकिता सिंह। क्यों नहीं किया बेटा काम? मैम वर्क किया था मैंने, कलर भी किया था, फर्स्ट टोन डाला था मैंने। अभी आज जो हमने क्लास ली है मॉर्निंग में, ठीक है, उसके बाद आपने जो दूसरा ड्राइंग करने के लिए हमने बोला था वो आपने किया है या नहीं किया है, बस हम उतना जानना चाह रहे हैं। बताइए। यस मैम अभी वो नहीं किया है। क्यों नहीं किया, वही तो पूछ रहे हैं। मैम थोड़ा सा टाइम, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम थी ना तो इस वजह से। क्या प्रॉब्लम थी हम जाने, तब तो हमें समझ में आया कि आपकी प्रॉब्लम किस टाइप की थी। मैम वो क्या मैम शेयर नहीं कर सकते हैं क्या? जो मैम ऐसा कुछ नहीं है, वो मम्मी घर पे है नहीं ना, और मम्मा तो थोड़ा सा घर की प्रॉब्लम थी। अच्छा बेटा ठीक है, लेकिन आप लोग आगे से इस चीज का ध्यान रखिए कि जब आपकी क्लासेस होती हैं, जैसे आप यूनिवर्सिटी आ जाते हैं तो आपके पास घर के ऑप्शंस नहीं होते, ठीक है? और बहुत टाइम लगना नहीं था, सिर्फ आधे घंटे का काम था, आप अपने कामों को मैनेज कर सकते थे। तो गलती आपकी है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था कि आप बस अपना काम पूरा कर लेते। और आप लोग खुद सोच के देखिए, हम बहुत स्लो मोड पे आपको थोड़ा थोड़ा काम दे रहे हैं, कोई आप पे बहुत बर्डन नहीं डालना है, ऐसा कि नहीं है सर? Yes, yes, ma'am. तो फिर अगर आप इतना भी काम नहीं करेंगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह गया ना, इतना काम तो कुछ काम होता ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अभी ये जो आपकी दो दिन से इंट्रोडक्शन क्लास चल रही है कि आपको चीजें, और कौन है इसके अंकिता और माही के अलावा भी कोई और है? मैम मेरा नहीं। आप तो ने, आपने तो क्लास ही नहीं ज्वाइन किया, आप काम क्या करेंगे, ठीक है? तो जितनी भी आपकी ये इंट्रोडक्शन क्लास चल रही थी कि आपको चीजों के बारे में चीजें जानकारी मिल रही हैं, उनको अपने माइंड में स्टोर रखेंगे, ये जानकारियां आपके लिए लाइफ लॉन्ग काम आएंगी। और आप कभी भी कहीं पे भी कुछ भी काम करते हैं, देखिए अब जो काम आप कर रहे हैं, हालांकि आपने जो फर्स्ट ईयर में भी स्टडी की है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी आपके आजीवन काम आता है, लेकिन सेकेंड ईयर से क्या होता है, सेकेंड ईयर आपका स्पेशलाइजेशन का जो सेक्शन होता है उसका फर्स्ट ईयर होता है, ठीक है? अब आप यहाँ से अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की शुरुआत कर रहे होते हैं सेकेंड ईयर से, जो आपने अपना सब्जेक्ट चूज किया है, जिसका जिस सब्जेक्ट पे आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट का ये एक बेसिक पॉइंट होता है आधार। और ये सारी चीज़ें आप कभी भी, आज ऐसा नहीं कि वाटर कलर हो चाहे एक्रेलिक कलर हो या कोई भी एनी मीडियम हो चाहे ऑयल हो, आप जितना जितना सीखते जाएंगे वो सारी चीज़ें आपको जीवन भर करनी ही करनी है। तो ये जो बेसिक आपकी चीज़ें हैं, बेसिक फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी होते हैं आपको काम को करने, सीखने, समझने और होल लाइफ अपनाने के लिए, ठीक है? ये सब काम जो हम बता रहे हैं ना कि आपको ये रखना है, ये सामान करना है, तो ये सब आप चाहे क्लास में हो, चाहे आप रोड पे बैठ के लैंडस्केप बना रहे हो, सारा सामान और सारी चीजें आपकी व्यवस्थित होनी चाहिए, ये हैबिट में डाल लीजिए। दूसरी चीज की अब हम कुछ कलर पे डिस्कशन करेंगे आपके साथ, अच्छा अभी ये बताओ ड्राइंग को लेके कौन सा स्टूडेंट अभी भी परेशान है, ड्राइंग को लेके जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या ड्राइंग नहीं करते बन रहा है या कुछ दिक्कत हो रही है? क्योंकि देखिए नेक्स्ट टाइम पे हम आपको इतना टाइम नहीं देंगे, नेक्स्ट वर्क पे, नेक्स्ट वर्क कब है आपका? कल होगा या जब भी होगा, है ना? तो हम आपको इतना टाइम नहीं देंगे कि आपको फिर नेक्स्ट ड्राइंग में भी हम आपका इतना टाइम लगाएं, या पहले शेप देखिए या उसका साइज देखिए या उसका आप उसका स्पेस डिवीजन देखिए, समझ रहे हैं?
आपको जो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट दिया जाएगा आपको एक बार में ही ड्राइंग करना है, जैसे हमने आपको कल प्रोसेस समझाया था कि आपकी क्लासेस किस अकॉर्डिंग चलेंगी। अभी आपकी ये फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट मतलब आपके वर्क का फर्स्ट क्लास था जो आपका काम चल रहा है, तो आपको जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही है अभी क्लियर कर लीजिए। हम आज आप जितना पूछोगे हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान देंगे, लेकिन कल वही ड्राइंग का कॉन्सेप्ट हम फिर से लेके नहीं बैठेंगे बेटा, समझ रहे हैं? कल जो गलतियां जो चीजें आज आपको नहीं समझ में आ रही, कल आप उन चीजों को दूसरे वर्क पे दोहराएंगे नहीं, क्योंकि वर्क के जो साइज और फॉर्मेट है वो चेंज होते जाएंगे, समझ रहे हैं? शेप्स चेंज होते जाएंगे, तो आपको उन शेप के अकॉर्डिंग फिर वही बातों का ध्यान रख के आपको फिर से सही ड्राइंग करना है। हाँ बोलिए हुमायरा, बोलिए क्या बोलना चाह रही है मैम? कुछ की टर्म्स थोड़े से क्लियर कर दीजिए, मैंने शुरुआत क्लासेस नहीं ली थी। क्या कह रहे बेटा, फिर से कहो जरा, तुम मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। मैम कुछ की टर्म्स से क्लियर कर दीजिए, मैं ड्राइंग करते वक्त क्या माइंड में रखा था जो आपका छूट गया है बेटा, वो हम नहीं क्लियर करेंगे, वो आप अपने क्लासमेट से क्लियर करिए। आप क्लास नहीं लेते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपको क्या छूट पढ़ाया जा चुका है, वो आप अपने क्लासमेट से कंफर्म करिए। आपके इतने सारे क्लासमेट्स हैं, किसी से भी डिस्कस करिए बैठ के कि क्या क्या समझाया गया। जो चीज़ हम तीन चौथी क्लास चल रही हमारी, अगर नॉर्मली एवरेज निकालें, जो चीज़ हम चार घंटे में समझा चुके हैं वो हम आपको कैसे एक्सप्लेन कर दें? तीन से चार घंटे हम आपको जो बातें समझा चुके हैं मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? आप पहले कंसल्ट करिएगा, उसके बाद भी कहीं आपको डाउट रह जाते हैं तब आप हमसे पूछिएगा। हाँ, और किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? आप ड्राइंग में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? करेंगे ड्राइंग अच्छे से? यस मैम। ठीक है, यस मैम। आई कुछ कहना चाह रहा हूँ? यस मैम। बोलिए मैम, आप एक बार फोरग्राउंड या और बैकग्राउंड बता देंगी जो आप सुबह बता रहे थे? बेटा जो शीट का 1/3 पार्ट होता है वो हमारा बैकग्राउंड होता है और 1/4 पार्ट हमारा फोरग्राउंड होता है। ठीक है बेटा? यस मैम। तो जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे हम लैंडस्केप कंपोज करें, चाहे हम स्टिल लाइफ कंपोज करें, चाहे हम कंपोजिशन कंपोज करें, तो फोरग्राउंड का जितना डिस्टेंस होता है उतने ही डिस्टेंस में हम चीजों को कंपोज करते हैं, है ना? हम बैकग्राउंड वाले एरिया में जाके कंपोज नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि हम अपने बेस लाइन को अगर उतने ही डिस्टेंस में कंपोज करेंगे तो चीजें हमारी अप डाउन में नहीं होंगी। नहीं तो क्या होता है कि हम अगर ऊपर, जैसे आप इस चीज को बहुत इजीली वे में समझ सकते हैं, बचपन में आप लोग सीनरी बनाते थे, ठीक है? तो सीनरी क्या होती थी आपकी, एक ऊपर माउंटेन होते थे और कहीं पे भी हट बन जाती थी, ऊपर की साइड, नीचे की साइड, कहीं पे भी पूरा ट्री कंपोज हो गया, समझ रहे हैं? तो इतना छोटा सा ट्री आपके पूरे एरिया में आ जाता था, मतलब जबकि वास्तविकता में क्या है, एवरेज होता है ट्री की जो लेंथ होती है वो बेटा हमारी बहुत, हमारी हाइट से बहुत ज्यादा होती है। अगर हम जमीन से खड़े हुए तो ट्री हम कहाँ तक टच कर पाएंगे, ट्री हमारे सिमिलर कहाँ तक होगा? मुश्किल से उसका आधा ट्रंक भी नहीं होगा, जो उसका स्टैम्प होता है वो आधा भी नहीं होगा, आधे से भी कम में हम खड़े हो पाएंगे। और उस चीज को हम उतने छोटे से एरिया में पूरा ट्री कंपोज कर देते हैं, जो एक गलत प्रोसेस है। हम अगर डोर के पास खड़े होते हैं तो डोर हमारी हाइट के बाद डोर कितना रह जाता है, यानी कि बिल्डिंग्स कितनी बड़ी होती हैं जिनके अंदर हम चलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, गाते हैं, ठीक है? तो अगर, और हम लोग क्या करते हैं, आप लोग जो ड्राइंग करते समय बहुत बड़ी गलतियां ये करते हैं कि आप लोग सबका
जो हाइट लेवल होता है वो इक्वली कर देते हैं। तो फोरग्राउंड से आप जब चीजें बनाएंगे, चाहे कोई पेड़ आगे की तरफ बनाए, चाहे कोई पॉट आगे की तरफ बनाए, चाहे पीछे की तरफ बनाए, उतने ही एरिया में उसका बेस होना चाहिए, यानी फुट। फुट मतलब हम अपने पैरों से खड़े होते हैं, पैर हमारे फोरग्राउंड की एक क्राइटेरिया होता है, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो वो फिगर कहाँ दिखाई देने लगेगा, आसमान में दिखाई देने लगेगा। बैकग्राउंड क्या होता है हमारा, स्काई होता है। Yes, ठीक है, इसी तरीके से स्टिल लाइफ में बैकग्राउंड क्या होता है, डेपरी, जहाँ हम एक कपड़ा होता है जिसको डेपरी को हम डालते हैं। ठीक है, देखा है ना स्टिल लाइफ करिए, पता चलेगा चलेगा, माइक ऑफ करिए, पता चलेगा कि जो हमारे ऑब्जेक्ट रखे हैं वो हमारे टेबल के ऊपर नहीं रखे हैं, डेपरी के ऊपर रखे हैं। समझ रहे हैं, समझ में आया? Yes, ma'am. ये डिफरेंस होता है, क्योंकि आप लोग लाइंस का जो मिस्टेक करते हैं इसी वजह से आपका पूरा कंपोजिशन गलत ड्रॉ होता है। तो फिगर का जो बेस है, अगर हम जमीन पे खड़ा हुआ एक फिगर बनाते हैं और उसको थोड़ा हम और ऊपर से दिखाना चाह रहे हैं तो हम ओवर ऊपर दिखा देते हैं, तो ऐसा लगता है वो ना जमीन में ना आसमान में लटका हुआ है, उसका कुछ बेस ही नहीं है, है ना। आसमान को हम बिल्कुल नीचे जमीन तक नहीं लाएंगे और जमीन को बिल्कुल आसमान तक नहीं पहुंचाएंगे। कहने का तात्पर्य ये, हर चीज को जब हम एक व्यू देखते हैं दूर खड़े होके, जो हमारी आई लेवल तक का व्यू दिखता है, वो आप कभी भी जमीन से खड़े होइए और देखिए जरा, बिल्डिंग्स को देखिए कैसे दिखाई देती है। कोई भी व्यू देखिए, अपने रोड पे खड़े होइएगा, अभी यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर जब निकलते हैं तो रोड पे खड़े होकर जरा व्यू ऑब्जर्व करिएगा, कभी जब जब भी आइएगा, या अभी तो आप लोग अपने अपने घरों में, तो घर के पास जरा निकल के देखिएगा, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से नहीं, रोड जो सबसे ग्राउंड फ्लोर होता है वहां पे खड़े होकर व्यू देखिएगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है कि आप एक क्राइटेरिया है कि टेबल का एरिया कितना है। जब आप टेबल की ड्राइंग करते हैं तो टेबल्स की जो लाइन बनाते हैं वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, उसी टेबल के ऊपर हमारा स्टिल लाइफ होता है। तो वो एरिया आपका कवर होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा एरिया आपने ले लिया, उन दोनों टेबल्स के लाइन का एरिया से बढ़ा दिया, तो वो आपका ऑब्जेक्ट किस में रखा दिखाई देगा, वॉल पे, ना कि टेबल पे। वॉल मीन्स डेपरी, उसका जो बैकग्राउंड होता है वो डेपरी पड़ जाती है, एक कपड़ा डाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है बेटा, समझ रहे हैं आप? Yes, क्या डाउट रह गया हमारा? मैम वो जो कलर्ड वाला बताया था कि किस सीक्वेंस से निकालते हैं, वो एक बार बता दीजिए। हाँ, क्या आप बता रहे थे कि कलर्स किस सीक्वेंस से निकालते हैं? बेटा बच्चों से थोड़ा कंसल्ट करना, कह रहे हैं ना जो भी चीजें हमने डिस्कस करी है वही चीजें हमें बार बार बताने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अभी पहले डिस्कस करिएगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो वो तो हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, 10 बार एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले आप जो छूटी हुई चीजें हैं ना उनको पहले डिस्कस करिए। ठीक है, फिर आपको नहीं समझ में आए तो हमसे पूछिए, नेक्स्ट क्लास में पूछिए, कल पूछ लीजिएगा। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो आप लोग अभी आप लोग अपना वर्क नोट करिए कि क्या करेंगे आप लोग, इसका ड्राइंग करेंगे, और इसका ड्राइंग करने के बाद अभी इसको जैसे भी आप कलर कर सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आता है, क्योंकि कलर प्रोसेसिंग अभी हमने आपको समझाई नहीं है, जैसे अपने अकॉर्डिंग देख के कलर कर सकते हैं वैसे आप इसमें कलर कंप्लीट करेंगे आज की डेट में। क्लियर है? आज से लेकर कल तक, जब तक हमारी 11 बजे तक क्लास नहीं होगी, आपका ये वर्क कंप्लीट होना चाहिए और हम आपका सबसे पहले वर्क ही देखेंगे क्लास में। ठीक है, फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, थर्ड टोन आप एक साथ लगाइए या स्टेप बाय स्टेप लगाइए। स्टेप बाय स्टेप का मतलब ये है कि अभी हम आपको कोई प्रोसेस में बाउंड नहीं कर रहे हैं, आप एक टोन लगा के उसको ड्राई करके सेकंड टोन लगाइए, सेकंड टोन ड्राई करके थर्ड टोन लगाइए, या फिर तीनों टोन आप एक ही साथ लगा डालिए, हम उसके लिए भी आपको मना नहीं करेंगे।
अभी आप काम सही करते हैं गलत करते हैं हमें उससे भी कोई फर्क नहीं है, बस हम ये देखना चाहते हैं कि आपका लेवल कितना है, कलर का लेवल कितना है, आप अपने काम की नॉलेज कितनी रखते हैं, या कितनी आप उस चीज को कितना किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप अपना काम अपने अकॉर्डिंग, इसका मतलब ये नहीं कि मैम ने कहा अच्छा ठीक है कोई मतलब नहीं है आप कैसा भी कर दीजिए तो भुगत के रख दीजिए, ठीक है, उसको बेकार करके नहीं रखना है, अपने प्रयास से जितना बेटर देन बेटर कर सकते हैं उसको कोशिश करिएगा और कंप्लीट करके रखिएगा जब तक हमारी कल क्लास नहीं होती। अभी के लिए आपके पास यही काम है। अब आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं बच्चा लोग, ठीक है, क्योंकि तो अगर हाँ जी ठीक है आप लोग क्लास सबको क्लियर हो गया, पहले एक बार बोल दीजिए किसी भी हैंड ड्रेस हैंड ड्रेस किया तो या यस मैम। थम शो कर दीजिए, माइक ऑन मत किया करिए, ठीक है, ओके बेटा लेफ्ट कर लीजिए।